पिछले दिनों मंदसौर क्षेत्र में हुई बेमौसम बारिश से हुए सोयाबीन और अन्य फसलों में हुए नुकसान की मुआवजे को लेकर कांग्रेस नेता ब्रजेश मालेचा के नेतृत्व में तहसील कार्यालय का घेराव कर जंगी प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। बस स्टैंड पर काली पट्टी बांध कर कांग्रेस जनों ने गाड़गिल चौराहे पर नारेबाजी और प्रदर्शन किया, जिसके बाद वीडी के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां नारेबाजी की गई। यहां संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता कांग्रेस नेता मोहनलाल गुप्ता ने कहा कि बेमौसम बारिश से फसल शत प्रतिशत नष्ट हुई है, किंतु दुर्भाग्य है कि सरकार के सर्वे में सिर्फ 15% आ रही है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश में किसान विरोधी सरकार बैठी हुई है, ये किसानों की कोई सुध नहीं ले रही है। दिवाली का त्योहार आ रहा है, किसानों की बारिश से फसलें चौपट हो गई, जिसके कारण किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। साथ ही कहा कि सरकार कमलनाथ सरकार के तर्ज पर दिवाली से पहले मुआवजा दे। साथ ही वित्त मंत्री देवड़ा पर प्रहार करते हुए कहा गया कि प्रदेश के वित्त मंत्री और क्षेत्र के विधायक जगदीश देवड़ा हमेशा कहते हैं कि मैं मेरे क्षेत्र के किसान भाइयों के हर दुख दर्द में उनके साथ खड़ा हूं और प्रदेश की खजाने की चाबी मेरे पास है, किंतु आज हमारा किसान संकट में खड़ा है और वित्त मंत्री देवड़ा को भी हमारे किसान भाइयों का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे। मंदसौर से रवि पौरवाल की रिपोर्ट।